कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे शकरकंदी भुनी हुई, जो कि ठेले पे मिलती है और वो ठेले वाले कोयले पे बनाते हैं, लेकिन मैं तवे पे बनाऊंगी और ये बहुत मजे की बनती है। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल फूड एंड टेस्ट को और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। शकरकंदी मैंने ली है, एक किलो से ज्यादा है ये, सवा किलो समझ लें आप। और इमली है 100 ग्राम, इसको मैंने पानी में भिगोया हुआ है। लेमन है 2 अदद और ये चाट मसाला है 1 चम्मच। मिर्चें हैं 1/2 टीस्पून और जीरा पाउडर भी 1/2 टीस्पून और नमक 1 टीस्पून। और शकरकंदी को पहले मैं 12 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखूंगी, फिर उसके बाद हम इसको तवे पर पकाएंगे। शकरकंदी को अब हम ओवन में रख देते हैं माइक्रोवेव में, और इसको माइक्रोवेव में काफी हद तक ये गल जाएगी और बाद में फिर हम इसको तवे पर भी पकाएंगे। हाफ इधर गल जाएगी और हाफ जो है वो हम इसको फिर तवे पर अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके साथ इसमें कोयले वाला फ्लेवर आ जाएगा, जैसे कि हमने इसको कोयले पे पकाया है। अब हम ओवन को 12 मिनट पर लगा देते हैं। बारह मिनट हो गए हैं, अब हम इसको शकरकंदी को बाहर निकालते हैं। काफी हद तक ये गल चुकी है, अब हम इसको तवे पर रखते हैं। तवे को मैंने गरम करना रखा हुआ है, ये मैंने तवा रखा हुआ है चूल्हे पे, गरम हो चुका है ये। इस पर हम रख लेते हैं अपनी शकरकंदी, ये हाफ गल चुकी है। अब हमने इसको जो इसको अच्छी तरह से हमने कलर देना है, थोड़ा थोड़ा ब्लैक शेड इस पे आ जाए और ये अच्छी तरह से गल जाए। इतनी देर हम इसको पकाएंगे। अब हम इसको ढक देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, फिर हम इसको देखते हैं 10 मिनट के बाद। दस मिनट हो चुके हैं, अब हम शकरकंदी की साइड चेंज करेंगे। ये देखिए इस तरह से कलर आ गया है शकरकंदी के ऊपर। सारी शकरकंदी जो हमारी है इसकी हम साइड चेंज कर देंगे और फिर हम दूसरी साइड से भी इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे। बीच में आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, लेकिन 10 मिनट लाजमी है। अब दूसरी साइड से भी हम इसको चेक कर लेंगे। 10 मिनट और हमने कर दिया, इसकी साइड से भी पका लिया 10 मिनट के लिए। अब हम इसकी चारों जो पीस हैं सबकी साइड चेंज कर देंगे। दोबारा से इसको ढक देते हैं 10 मिनट के लिए और इसको पकाते हैं। अब काफी हद तक गल चुकी है शकरकंदी हमारी। ये देखिए अब तकरीबन रेडी हो गई है, इसको मैं अब निकाल लूंगी प्लेट में। थोड़ी सी अब ये ठंडी हो जाएगी, फिर हम इसको काटेंगे। बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, ऐसे ही लग रहा है जैसे हम ठेले से ले रहे हैं शकरकंदी, तो उसकी जो खुशबू आती है वही इसमें आ रही है। अभी हम आपको इस काट के दिखाएंगे। ये ढक्कन जो मैंने इस पे रखा हुआ है, अगर आपके पास इस तरह का ढक्कन ना हो तो आप पतीली भी उल्टी करके इसके ऊपर रख सकते हैं। ये मैंने मेरे पास तसला था स्टील का, उसमें मैंने इस तरह से होल करवा के तो इस पे हैंडल लगवा लिया। अब हम चटनी रेडी कर लेते हैं। इमली को के मैंने बीज निकाल दिए हैं और इसको छान लिया है। अगर आप चटनी खट्टी रखना चाहें तो ऐसे ही रख लें। मैं मीठी बना रही हूँ, इस खट्टी मीठी बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें 4 चम्मच चीनी डालूंगी। शकरकंदी के साथ खट्टी मीठी चटनी अच्छी लगती है, तो आप चाहें तो शक्कर डालकर बना लें या चीनी डालकर। शकरकंदी हमारी अब थोड़ी सी ठंडी हो गई है, अब हम इसको छील लेते हैं। इसको दो तरह से हम सर्व कर सकते हैं, लेमन डाल के भी खाई जाती है और चटनी के साथ भी। ये जो मैंने मसाले रखे हुए हैं इसको मिक्स करके रख लेंगे, जितना जरूरत हो उतना ऊपर शकरकंदी के ऊपर डाल लें इसके पीसेस करके, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
शकरकंदी को मैंने काट कर रख लिया है और ये साथ में लेमन रखे हैं, चटनी है और ये जो मसाले हैं इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले में अलग से रखूंगी, ये ऊपर नहीं डालूंगी। कोई तेज मसाला खाता है कोई हल्का, तो जितना जिसका दिल चाहे वो डाल ले। ये प्लेट में मैंने थोड़ी सी शकरकंदी अलग से रखी है, इसको मैं रेडी करके आपको दिखाती हूँ मसाले और चटनी के साथ। जितना आपको अच्छा लगे आप उतना इस पे मसाला डालें और साथ इमली की चटनी डालें। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और खुद भी बनाएं और मुझे कमेंट्स में फिर बताएं कि आपकी शकरकंदी कैसी बनी। तवे पर बस इसको थोड़ा ज्यादा टाइम देना है, मैंने तकरीबन आधा घंटा तवे पे इसको पकाया है। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।